पशु ने चलाई गोलियां, दलित परिवार के चार लोगों की हुई हत्या। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये वारदात है अमेठी की, जहां देर शाम बदमाशों ने घर में घुसकर एक दलित परिवार को मौत के घाट उतार दिया। हत्यारों ने शिक्षक और उनके पूरे परिवार की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना में शिक्षक, उनकी पत्नी और दो मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बारे में जो सुन रहा है सीहर जा रहा है कि कैसे बेखौफ बदमाशों ने पुलिस के इस्तकबाल को खुलेआम चुनौती दी। जिस घर में देर शाम खुशी थी, मुस्कुराहट थी, दो छोटी छोटी बच्चियों की खिलखिलाहट से घर रोशन रहता था, वहां बदमाशों ने मौत का खुला खेल खेल दिया। दरअसल ये पूरा मामला शिवर्तन में थाना क्षेत्र के अरवा भवानी चौराहे के पास का है। यहाँ चौराहे से 100 मीटर दूर और भवानी रोड पर प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षक सुनील कुमार अपनी पत्नी पूनम और दो बच्चों के साथ किराए के मकान में रहता था। शाम करीब 6:45 पर अज्ञात बदमाश घर में घुसे और चारों की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना को अंजाम देकर सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। भीड़भाड़ वाले चौराहे पर सरेआम हुई वारदात के बाद प्रशासनिक अधिकारियों में हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस के अलावा फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी। वहीं एसपी अनुप सिंह और डीएम निशा अनंत भी मौके पर पहुंचे। देखिए, थाना शिवरतनगंज के अहरवा भवानी में एक घर में पति पत्नी और उनके दो बच्चे रहते थे। ये सूचना मिली कि कोई अज्ञात व्यक्ति आकर के उनको ऊपर गोली से फायर किया। सूचना पर पुलिस पहुंची, उनको अस्पताल के लिए भेजा गया। यहाँ पर डॉक्टरों ने उनको सभी चारों को मृत घोषित कर दिया है। जब हम सभी लोग आए तो यहाँ पर ये देखा गया, पूरी छानबीन की गई, तो इसमें किसी भी प्रकार की लूटपाट या इस तरह की घटना कारित करने का ना तो कोई प्रयास किया गया है, ना ही इस प्रकार की कोई घटना हुई है। अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये पता चल रहा है कि करीब 18 अगस्त के आसपास इन्होंने एक मुकदमा एक चंदन वर्मा के खिलाफ रायबरेली कोतवाली में लिखवाया था, SC ST और छेड़छाड़ की घटनाओं में। हम लोग अभी उस बिंदु पे भी ये देख रहे हैं कि रेंज के IG प्रवीण कुमार और ADG SB शिरोडकर ने घटना स्थल का निरीक्षण किया और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। और इस पूरे मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक कुल 7 गोलियां लगने से परिवार की मौत हुई। इनमें से 3 गोलियां सुनील को, 2 गोलियां उसकी बीवी और 1-1 गोलियां बच्चों को लगी है। इस हत्याकांड पर IG रेंज अयोध्या प्रवीण कुमार ने बताया है कि वारदात स्थल पर फोर्स एंट्री के कोई साक्ष्य नहीं मिले। वैसे पुलिस के हाथ कुछ महत्वपूर्ण सुराग लगने की बात जरूर कही जा रही है। IG ने कहा है कि पुलिस की 4 टीम लगाई गई है, जल्द ही दोषियों का पता लगाया जाएगा। पुलिस के मुताबिक जिस तरह से बच्चों की हत्या की गई है, ऐसा लगता है जैसे वह लोग परिचित थे। बच्चे कहीं शिनाखत ना करें, इसलिए बच्चों को भी मारा गया। इस हत्याकांड की तफ्तीश के बीच एक अलग जानकारी भी निकल कर सामने आई। 18 अगस्त 2024 की एक पुरानी FIR मिली है। यह केस शिक्षक की पत्नी पूनम भारती की तरफ से दर्ज कराया गया है। पूनम भारती ने किसी चंदन वर्मा नाम के शख्स के खिलाफ अश्लील हरकत, मारपीट करने और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल कर गोली देने का आरोप लगाया था। इस केस की FIR कॉपी के मुताबिक पूनम भारती अपने बच्चे का इलाज कराने सुमित्रा अस्पताल गई हुई थी। वहां रायबरेली के रहने वाले चंदन वर्मा नाम के शख्स ने उनके साथ अश्लील हरकत की। विरोध करने पर पति सुनील कुमार को थप्पड़ों से मारा और जान से मारने की धमकी दी। पूनम भारती का आरोप था कि चंदन वर्मा नाम का यह शख्स पहले भी जान से मारने की धमकी दे चुका है। इस FIR कॉपी में वे साफ साफ कह रही है कि अगर भविष्य में उनके यहाँ या उनके पति के साथ कोई दुर्घटना घटती है तो उसका जिम्मेदार चंदन वर्मा होगा। मृतक शिक्षक सुनील रायबरेली के मूल निवासी थे और पनहोना के एक सरकारी स्कूल में शिक्षक थे। जब उनके घर गोली चली तो पड़ोसियों ने इसकी आवाज सुनी। पड़ोसी उनके घर के अंदर गए तो परिवार के सभी चारों सदस्य मृत पड़े थे। पुलिस हमलावरों की पहचान के लिए इलाके में लगे CCTV को भी खंगाल रही है। शिकायत में यह भी कहा गया था कि अगर उसे या उसके परिवार को कुछ भी होता है तो चंदन वर्मा ही इसका जिम्मेदार होगा। मामले में सिंह ने कहा कि अभी यह पता लगाया जाना बाकी है कि हत्याएं मामले से संबंधित है या फिर नहीं। इस घटना के बाद से पुलिस और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौके पर लगातार मौजूद रहे। जी द्वारा अवगत कराया गया, मैं घर में था जो है,
तो मैं जो है कि सूचना पर हॉस्पिटल गया तो वहाँ पर फील था जो। आपके साथ वो कितने दिन से? ये मार्च की फिर हमारे साथ में थे जो है। किस तरह उनका व्यवहार? व्यवहार अच्छा था, वो सीधे साधे आदमी थे जो है। कभी किसी के ऊपर उन्होंने कभी कभी कोई कोई ब्लेम नहीं किसी तरह का, कभी नहीं कोई चर्चा। ये चाहते हैं जो दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई हो जो है, उनको बहुत कठिन से कड़ी सजा दी जाए जो। साथ ही लखनऊ के वरिष्ठ अधिकारियों को भी अमेठी भेजा जा रहा है। घटना स्थल जिला मुख्यालय से करीब 16 किलोमीटर दूर है। हत्याकांड के बाद से चंदन वर्मा भी फरार चल रहा है। पुलिस उसकी तलाशी कर रही है लेकिन अभी तक उसके बारे में कुछ पता नहीं चल सका है। हमारे जो है वो जिसको मारा गया था, हमारा लड़का छोटा। क्या नाम है उसका? सुनील कुमार। क्या हुआ है पूरी बात? हैं? पूरी बात बताइए क्या हुआ? अब साहब हुआ क्या, जो हम तो यहाँ मजूरिया आदमी है, वहाँ ड्यूटी पे रहे हैं, अब ड्यूटी पे आए हैं, अब वहाँ पे कमरे में मारा गया है कि स्कूल में मारा गया है, तब हमको जानकारी जब नेट पर मिला है तो अब हम तो वहाँ आ ही नहीं पाए। क्या जानकारी आए कि मतलब हमारे बहुरिया का और बेटी को सबको मार दिया गया है? हाँ, ऐसे में पुलिस पूरे हत्याकांड में चंदन वर्मा पर भी शक कर रही है। पुलिस पूरे मामले में प्रेम प्रसंग का भी संदेह जता रही है क्योंकि FIR के महीने बाद ही शिक्षक पत्नी व दो बच्चों की हत्या कर दी गई। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में बताएं। तब तक लिए देखते रहिए News 1 India।